यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और राष्ट्रपति भवन में इस बार इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं होगा। साथ ही देश के करदाताओं के पैसे से किसी भी धर्म या त्योहार को नहीं मनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस कदम से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रपति भवन पूरे देश के लिए धर्म निरपेक्ष भाव रखता है, इसलिए इससे धर्म विशेष से जुड़े किसी भी आयोजन को मंजूरी नहीं दी जाएगी, फिर चाहे वो इफ्तार पार्टी हो या फिर कोई और त्योहार। राष्ट्रपति भवन के इस फैसले के बाद देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पर चुप्पी साध दी है। कांग्रेस ने कहा कि यह राष्ट्रपति का फैसला है, इसलिए हम इस पर कोई भी बयान नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है।